अपडेट और खबरों के लिए टीवी वन इंडिया को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन में गूंजा राम मंदिर और 370 का मुद्दा, देश विदेश के हिंदू संगठनों ने लिया हिस्सा। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की पहल के साथ 30 जुलाई से जारी अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन जोर पकड़ने लगा है। ऑनलाइन सम्मेलन में इंडोनेशिया से वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन के उपाध्यक्ष धर्म येशा जी, कर्नाटक श्री राम सेना के संस्थापक अध्यक्ष प्रमोद मुतालिक, राष्ट्रीय धर्मसभा नेपाल के अध्यक्ष माधव भट्टाराई समेत कई विद्वानों ने हिंदू धर्म पर अपने विचार प्रस्तुत कर चुके हैं। हिंदू जनजागृति समिति के मार्गदर्शक सदगुरु डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा कि कोरोना महामारी हो या भविष्य का विश्व युद्ध, काल महिमा के अनुसार हिंदुत्ववादियों के लिए अनुकूल समय होगा, इसलिए हिंदू राष्ट्र की मांग निरंतर करते रहनी चाहिए। सदगुरु पिंगले ने कहा कि आजकल राजनीति, शिक्षा, मीडिया या कला, हर क्षेत्र में देशभक्त और धर्म प्रेमियों के विरुद्ध देशद्रोही और धर्म विरोधियों का ध्रुवीकरण चल रहा है। इस वैचारिक ध्रुवीकरण के दौर में धर्म का पक्ष रखते हुए हिंदू राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। नमस्कार। धर्म संस्थापक भगवान श्री कृष्ण तथा हिंदू जन जागृति समिति के प्रेरणा स्रोत परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी के चरणों में मैं कृतज्ञतापूर्वक वंदन करता हूँ। इस ऑनलाइन अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन में उपस्थित संतों के चरणों में मेरा भावपूर्ण नमस्कार। आप सभी हिंदू राष्ट्र वीरों का मैं मनपूर्वक स्वागत करता हूँ। हम भले ही स्थूल से यानी प्रत्यक्ष में आज अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के निमित्त मिल नहीं सके, तब भी हम ऑनलाइन एकत्रित हुए हैं। हम सभी का धर्म बंधुत्व अटूट है, यह बताने वाली यह एक महत्वपूर्ण घटना है। हम सभी का धर्म बंधुत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए और संगठित रूप से हिंदू राष्ट्र की स्थापना का ऐतिहासिक कार्य भी हम सभी से हो, यही मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। हम सभी के वीर बंधु स्वर्गीय तपनदा घोष जी, इनका आकस्मिक दुखद निधन हुआ। इससे हिंदू राष्ट्र स्थापना के कार्य की असीम हानि हुई है। तपनदा का जो ध्येय था, संघर्ष ही हिंदुओं के लिए आशा का किरण है, यह विचार हम सभी आचरण में लाए, यही उन्हें दी गई सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थिति में कोरोना महामारी के कारण संपूर्ण विश्व संकट में है। इस काल में एक और तबलीगी जो जमात थी वो कोरोना कैरियर की भूमिका निभा रही थी, तो उसी समय दूसरी ओर हम सभी कोरोना वॉरियर बनकर समाज सेवा कर रहे थे। इस कारण जनमानस में कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण तो हो गया है। उसकी दृष्टि में तबलीगी एक खलनायक बन गए, जबकि हिंदू संगठन एक समाजसेवी बन गए। कोरोना महामारी के कारण आज संपूर्ण विश्व एक प्रकार से थमसा गया है। विश्व का पूरा कामकाज, चाहे उद्योग हो, बैंक, शिक्षा संस्था इत्यादि, सभी प्रभावित हुए हैं। कुल मिलाकर इस स्थिति का शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक अथवा राष्ट्रीय किसी भी अंग से विचार करें, तब भी हम सभी के ध्यान में यही आएगा कि यह काल अत्यंत चुनौतीपूर्ण है। कोरोना महामारी से एक प्रकार से अच्छा ही परिणाम हुआ है। आज संपूर्ण विश्व स्वयं को हिंदू कहलाने के लिए आतुर हो गया है। विदेशी नागरिक शेकहैंड छोड़ हाथ जोड़कर नमस्कार करने लगे हैं। चाहे शाकाहार हो, योग प्राणायाम हो, इसका आचरण करने लगे हैं। स्वामी विवेकानंद ने जो नारा दिया था, गर्व से कहो हम हिंदू हैं, आज वास्तव में हम सभी को स्वयं को गर्व से हिंदू कहना अभिमानास्पद लग रहा है। आज वर्तमान स्थिति में भारत चीन सीमा पर
युद्ध की छाया मंडरा रही है। मुझे वर्ष 2008 की एक घटना याद आती है। उस समय मैं सनातन संस्था के संस्थापक परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी से मिला था। उस समय उन्होंने बड़े दूरदर्शिता से कहा था कि तीसरे विश्व युद्ध के लिए चीन ही जिम्मेदार होगा, वह भारत पर प्रथम आक्रमण करेगा, तदुपरांत पूरा विश्व इस युद्ध में उतरेगा। आगे उन्होंने यह भी कहा था कि अभी तो कुछ नहीं होगा, परंतु भविष्य में 10-12 वर्ष के बाद ऐसा होगा। आज पूरे 12 वर्ष के बाद चीन के विरुद्ध वैश्विक असंतोष निर्माण हुआ है और उसकी परिणति विश्व युद्ध में होगी, यह निश्चित है। अभी चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने का सूत्र जोर पकड़ रहा है। यह अभियान हम सभी देशभक्त तथा हिंदुत्वनिष्ठ संगठनों को आगे बढ़ाना होगा। चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किए बिना भारत कभी भी आत्मनिर्भर नहीं बन पाएगा। आज भारत के धर्मबंधु जो राष्ट्र है नेपाल, वो कम्युनिस्ट सरकार के अधीन है और वह चीन के प्रभाव में आकर भारत का विरोध कर रहा है। 28 मई 2008 को नेपाल की राजतंत्र प्रधान सरकार का तख्ता पलटकर वहाँ सेकुलर सरकार सत्ता में आई थी। तभी परात्पर गुरु डॉक्टर आठवले जी ने कहा था, भारत को इसके अनिष्ट परिणाम भोगने पड़ेंगे। साथ में उन्होंने यह भी लिखा था कि नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र घोषित करना क्यों आवश्यक है। आज हम उसे प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। नेपाल में हिंदू राष्ट्र पुनर्स्थापित होना अत्यंत आवश्यक है। नेपाल के हमारे जो हिंदू बांधव है, यह कम्युनिस्ट शासन से अत्यंत पीड़ित है, यह हमें समझकर लेना होगा। इस वर्ष के आरंभ में भारत सरकार द्वारा बनाया गया CAA कानून, यह अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन की फलश्रुति है। वर्ष 2014 में हुए तृतीय अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन में हमने यह प्रस्ताव पारित किया था कि केंद्र शासन कानून बनाकर शरणार्थी पाकिस्तानी और बांग्लादेशी हिंदुओं को भारत की नागरिकता प्रदान करे। यह प्रस्ताव केंद्र सरकार को प्राप्त होने के एक माह में ही केंद्र शासन ने दिल्ली में पाकिस्तान से विस्थापित हुए हिंदुओं के संदर्भ में कार्य करने वाले संगठनों की बैठक आयोजित किया था। इस बैठक में अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के आयोजक के रूप में हिंदू जनजागृति समिति को भी आमंत्रित किया था। हमने इस बैठक में शरणार्थी पाकिस्तानी हिंदुओं को भारतीय नागरिकता मिलनी ही चाहिए, इस विषय में ठोस भूमिका रखी थी। यह बैठक ही आगे चलकर CAA कानून के मसौदे की बैठक सिद्ध हुई है। सिटीजनशिप एक्ट 1955, इसमें बांग्लादेश का उल्लेख नहीं था, क्योंकि उस समय वह एक अलग राष्ट्र ही नहीं था, वह पाकिस्तान का ही भाग था। तो इस बैठक में हमने कहा था कि बांग्लादेश से भारत आए शरणार्थी हिंदुओं को भी भारतीय नागरिकता देने के दृष्टि से केंद्र शासन प्रयास करे, जिसके बाद केंद्र शासन ने इस संदर्भ में केंद्र स्तरीय बैठक आयोजित करने का आश्वासन हमें दिया था। तदुपरांत केंद्र शासन की ओर से हमें बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए कार्य करने वाले संगठन कौन से हैं, इसके नाम पूछे गए थे। आगे पूरे 6 वर्ष की प्रक्रिया के उपरांत आज इस कानून में बांग्लादेश से आए शरणार्थी हिंदुओं के भी लिए प्रावधान है। अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन ने हम सभी द्वारा पारित किए गए इस प्रस्ताव के कारण हिंदू जनजागृति समिति CAA कानून के विषय में कुछ प्रयास कर पाई। इस हेतु आप सभी के प्रति जितनी भी कृतज्ञता व्यक्त करें थोड़ी ही है। क्या आगामी काल सेक्युलरिस्ट, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट शक्तियों के साथ संघर्ष का काल होगा? क्योंकि दुर्भाग्य से CAA कानून के संदर्भ में भारत में ओछी राजनीति की गई। सेकुलर राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक के लिए इस कानून के विरोध में आंदोलन कर बांग्लादेशी पाकिस्तानी हिंदुओं के घावों पर नमक छिड़का था। शाहीनबाग आंदोलन हो, संसद में हुआ हंगामा हो, विश्वविद्यालय में हो रही नारेबाजी हो, अथवा सहस्त्रों की संख्या में सड़क पर उतरी भीड़ हो, ये सब हमने
इस कानून के निमित्त प्रत्यक्ष अनुभव किया है। भारत की चाहे सेक्युलरिस्ट हो, इस्लामिस्ट और कम्युनिस्ट, इन सभी शक्तियों ने सीएए कानून का विरोध किया है। और यह केवल हिंदू विरोध नहीं, ये देश विरोधी शक्ति भी है, यह हमें ध्यान में रखना होगा। वर्तमान में पृथ्वी पर रामराज्य रूपी हिंदू राष्ट्र स्थापना हेतु सूक्ष्म स्तरीय देवासुर संग्राम चल ही रहा है। इस युद्ध का परिणाम आगामी 2-3 वर्षों में दृश्य रूप में दिखाई देगा। सूक्ष्म स्तरीय युद्ध में देवता विजय होने पर अर्थात वर्ष 2023 के उपरांत सत्वगुणी हिंदुओं के ओर से ही भारत में हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। हम सभी को इस धर्म संस्थापना के कार्य में वीर अर्जुन के भांति माध्यम बनकर कार्य करना है। इस अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र अधिवेशन के माध्यम से आप सभी को हिंदू राष्ट्र स्थापना के इस कार्य में सर्वश्रेष्ठ योगदान देने की प्रेरणा मिले, इस हेतु मैं भगवान श्री कृष्ण जी के चरणों में प्रार्थना करता हूँ और मैं अपने वाणी को श्री गुरु चरणों में विराम देता हूँ। नमस्कार। बता दें कि अखिल भारतीय हिंदू राष्ट्र सम्मेलन का पहला चरण 2 अगस्त तक चलने वाला है, जबकि दूसरा चरण 6 अगस्त से 9 अगस्त के बीच होगा। हिंदू जनजागृति समिति के प्रवक्ता रमेश शिंदे ने कहा कि सम्मेलन में मोदी सरकार द्वारा पास नागरिकता संशोधन कानून, धारा 370, श्री राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक फैसलों और उपलब्धियों पर चर्चा हो रही है, जो हिंदू राष्ट्र निर्माण में सहायक हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू जनजागृति समिति 20 वर्षों से इसकी मांग करती आ रही थी, जिसका प्रतिफल अब दिखने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV1 इंडिया।